हेलो एवरीवन, आप लोगों की रिक्वेस्ट आई थी कि मैडम ब्रेस्ट मिल्क क्यों कम बनता है, इसके लिए क्या करना है, इस पे वीडियो बनाइए। अब ब्रेस्ट मिल्क जब ज़्यादा बनता है या जब हमको बच्चे का दूध छुड़ाना होता है, उस पे मैं वीडियो बना चुकी हूँ। इस पे मेरी इंस्टाग्राम पे भी रील आ चुकी है कि दूध छुड़ाने का तरीका क्या होता है। बट अगर दूध बन ही नहीं रहा है तो उसके क्या कारण हो सकते हैं, तो उसके कारण आज मैं आपको बताने वाली हूँ और उसकी रेमेडीज भी आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि दूध अल्टीमेटली क्यों कम बनता है, कब पंप यूज़ करना चाहिए, कब कौन सी दवाइयाँ यूज़ करनी चाहिए और क्या आपको अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस लाने हैं। ज़्यादातर मेरे एक्सपीरियंस में जो मैंने देखा है, अपार्ट फ्रॉम द चार चीज़ें जो मैं आपको बताने वाली हूँ, चार पांच चीज़ें मैंने देखा है, जो थोड़ी ओबीज लेडीज़ होती हैं जिनके ब्रेस्ट में फैट बहुत है, जो एज सच बहुत मोटे हैं, बिकॉज ब्रेस्ट क्या है, ब्रेस्ट में बेसिकली फैट है। जब भी ब्रेस्ट को कम करना है या ज़्यादा करना है तो सर्जरी करानी पड़ती है, प्लास्टिक सर्जरी। कितनी पेशेंट्स आती हैं, मैडम ब्रेस्ट का साइज़ बड़ा करना है या ब्रेस्ट का साइज़ छोटा करना है, तो अल्टीमेटली काम आते हैं प्लास्टिक सर्जन्स, क्योंकि अंदर फैट ही फैट भरा हुआ होता है। बाकी उसके बीच में कुछ ग्लैंड्स होते हैं जो कि ग्रो कर जाते हैं डिलीवरी के बाद, डिलीवरी के समय यानी कि प्रेगनेंसी के समय वो अंदर मिल्क के ग्लैंड्स बन रहे होते हैं, डक्ट्स बन रही होती हैं, डेवलप हो रही होती है। जैसे डिलीवरी होती है आपका हार्मोन प्रोलैक्टिन बढ़ता है और ये सारी डक्ट्स जो है खुलनी शुरू हो जाती हैं, और जैसे ही बच्चा उसको खींचना शुरू करता है, सकलिंग शुरू करता है, तो सारा रिफ्लेक्स बन के दूध आना शुरू हो जाता है। तो ब्रेस्ट के अंदर जो मोटी लेडीज़ हैं उनका मैंने जनरली देखा है लैक्टेशनल फेलियर होता है, जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है। एज सच कहीं किताबों में या रिसर्च में नहीं लिखा है, पर जो मेरा एक्सपीरियंस पिछले 22 साल में कहता है कि अगर मोटी लेडीज़ हैं तो उनकी डक्ट्स कहीं ना कहीं दबती हैं और उनको दूध कम बनता है। जो थोड़ी सी फिट लेडीज़ हैं उनमें दूध ज़्यादा बनता है। अब आते हैं मेजर जो चार पांच कॉजेज़ हैं जिनकी वजह से दूध की सप्लाई कम होती है। सबसे इम्पॉर्टेंट है स्ट्रेस। आपने देखा होगा स्ट्रेस हर जगह घुस जाता है, वो PCOD हो, चाहे वो इनफर्टिलिटी हो, चाहे वो मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स हो, चाहे वो थायराइड हो, चाहे वो लैक्टेशनल फेलियर हो। कितनी पेशेंट्स मैंने देखा है शुरू में अच्छा खासा दूध आ रहा होता है, धीरे धीरे शायद कहीं ना कहीं कोई उनकी लाइफ में स्ट्रेस फैक्टर आया कुछ एक आध महीने बाद, या तो घर जाके इन लॉज के साथ आया या पार्टनर के साथ आया। स्ट्रेस एज सच कई बार आपके दूध की जो क्वालिटी है और क्वांटिटी है उसको कम कर देता है, और ज़्यादातर बिना किसी प्रॉब्लम के भी स्ट्रेस क्यों आता है, या तो बच्चे के साथ हम एडजस्ट नहीं कर पाते क्योंकि बच्चा रात भर जगाता है, दिन भर आप थके हुए रहते हैं, रात में आप सो नहीं पाते हैं, या फिर आपको कोई और एक्सटर्नल स्ट्रेस फैक्टर है, आपको दर्द हो रहा है, या फिर आपको पार्टनर से प्रॉब्लम हो रही है, आपके हस्बैंड एडजस्ट नहीं कर पा रहे, आप दोनों नए नए पेरेंट्स बने, कहीं ना कहीं स्ट्रेस जो है आपके अंदर कॉर्टिसोल हार्मोन यानी कि स्ट्रेस हार्मोन को बढ़ाता है और वो आपके दूध को कम करता है। दूसरा कारण होता है कि अगर आप लगातार ब्रेस्ट को सिग्नल नहीं दोगे कि आपको दूध बनाना है, ब्रेस्ट में क्या होता है रिफ्लेक्स बनता है, जब जब आपका बच्चा चूंगेगा यानी कि सकलिंग करेगा तो एक रिफ्लेक्स बनता है जो ब्रेस्ट से लेकर सीधे ब्रेन तक जाता है, ब्रेन में से हार्मोन निकलता है ऑक्सीटोसिन और ये आपकी ब्रेस्ट को कॉन्ट्रैक्ट करा के पंप करता है दूध को बाहर। अब अगर आप बहुत इनफ्रीक्वेंटली दूध पिला रही हैं यानी कि आप पूरे दिन थकी हुई हैं, या फिर आप वर्किंग लेडी हैं, आपने काम पे जाना शुरू कर दिया है, आप सोच रही हैं बच्चे को अभी मैं नर्सरी में डाल देती हूँ, पूरे दिन बच्चे को ऊपर का टॉप फीड दे देंगे, पाउडर मिल्क दे देंगे, रात में जब बच्चा मेरे पास आएगा तब मैं अपना दूध पिलाऊंगी, तो ऐसे करने की वजह से आपकी ब्रेस्ट को सिग्नल मिलता है कि ज़्यादा दूध मत बनाओ क्योंकि ज़रूरत नहीं है। तो सप्लाई ऑन डिमांड जो होती है वो तभी होती है जब आप बार बार ब्रेस्ट को स्क्वीज़ करेंगे।
मैं तो कहती हूँ अगर आप वर्किंग लेडी हैं, आप जाइए काम पे, आप बच्चे को भले नर्सरी में डाल दो, आप टॉप फीड दे दो, टॉप फीड के लिए कोई मना ही नहीं है, क्योंकि मैं खुद भी वर्किंग लेडी हूँ, मैंने खुद भी अपने बच्चों को ऐसे ही पाला है ना। तो बेसिकली अगर आप ऊपर का दूध दे भी रहे तो भी साइंस कहती है आप अपनी ब्रेस्ट को एक्सप्रेस कर करके दूध निकाल सकते हैं। अगर आप ब्रेस्ट को रेगुलरली दो दो तीन तीन घंटे से एक्सप्रेस करेंगे तो जिन लोगों को दूध कम बनता है उनको भी दूध ज़्यादा बनने लगेगा, और ये फैक्ट है, आप इसको ट्राई करिएगा। अगर आप पंप यूज़ करना चाहते हो तो आप पंप यूज़ कर लें। मैं पंप के बहुत ज़्यादा फेवर में इसलिए नहीं रहती हूँ क्योंकि जो इंडिया में पंप्स आते हैं उनका पता नहीं होता कितना तेज़ दबाना है, कई बार पेशेंट इतनी जोर की दबा देते हैं वैक्यूम क्रिएट हो जाता है, अंदर कुछ ना कुछ स्किन बर्स्ट हो जाती है, कोई डक्ट बर्स्ट हो जाती है और ब्लड आने लगता है, ठीक है। मोर ओवर पंप जो है सिर्फ ब्रेस्ट के आगे वाले टिश्यू को पकड़ता है, पीछे की तरफ से मसाज नहीं करता। आपका ब्रेस्ट का टिश्यू पूरे आगे के प्लस एक्सिला तक रहता है। कई बार आपने देखा होगा यहाँ पर आपको बल्ज आ जाता है जब आप फीड कर रही है, क्योंकि आपकी ब्रेस्ट की जो टेल है ये पूरा टिश्यू वहां तक फैला हुआ है। तो अगर आप ठीक से चारों तरफ से दबा के खुद का ब्रेस्ट मिल्क निकालेंगी, जैसे आप दूध गाय का निकालती हैं, उसी तरह से आपको खुद का भी इस तरह से कंप्रेस करके निकालना है। तो चाहे आप हाथ से निकालें या पंप से निकालें, वो आपके ऊपर है, बट फ्रीक्वेंटली दो दो तीन तीन घंटे से अगर आप दूध निकाल रही हैं, बच्चा नहीं भी आपके पास तो भी कोई दिक्कत नहीं है, या तो आप इस दूध को निकाल के फेंको, क्योंकि आप बेसिकली रिफ्लेक्स दे रहे हो बॉडी को कि दूध बनाओ, आप उसको संकेत दे रहे हो कि दूध बनाओ, ठीक है। और या फिर अगर आप बच्चे को बाद में पिलाना चाहते हो तो आप इसको फ्रीजर में डाल सकते हैं, इसको फ्रिज में डाल दीजिए बॉटल में भर के, और इस दूध को डायरेक्टली गैस पे ना गर्म करके गर्म पानी पतीले में करके इस बॉटल को गर्म पानी में डाल दें, तो हल्का सा गुनगुना ये दूध हो जाएगा, उसके बाद आप बच्चे को पिला सकते हैं। ये बड़ा ही आसान तरीका है जो कि हमारे इंडिया में इतना कॉमन नहीं है, बट बाहर की लेडीज़ बहुत कॉमनली इसको यूज़ करती हैं। मेरे खुद के सेकंड बच्चा यूके में हुआ था, तब मैं काम कर रही थी, आई वॉज वर्किंग इन स्कॉटलैंड। तो इसी तरह से हम नर्सरी में जब बच्चे को देते थे कि भाई पूरे दिन हम काम कर रहे हैं, तो ब्रेस्ट मिल्क एक्सप्रेस करके बॉटल में भर के दे दो, उस पर बच्चे का नाम लिख दो, वो लोग जब जब बच्चे को डिमांड होती है उस बच्चे उस दूध को गर्म करके बच्चे को पिलाते हैं। इस तरह से आपकी ब्रेस्ट मिल्क का प्रोडक्शन भी कम नहीं होता, बच्चों को सही दूध भी मिलता है, और जब आपको नींद आ रही है रात में तब आप टॉप फीड दे दीजिए, पूरे दिन बच्चे को टॉप फीड पे नहीं रखना है। तीसरा कारण, अगर आप ठीक से खा पी नहीं रही है, नॉर्मली हमारे राजस्थान में जहां मैं खड़ी हूं वहां पर तो ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती है, बिकॉज नर्सिंग लेडीज जितनी भी हैं जिनको बच्चा हुआ है उनकी केयर करने वाले उनके घर वाले उनको बहुत ज्यादा खिलाते हैं, खूब सारा घी खिलाते हैं, अजवाइन खिलाते हैं, देसी खाना खिलाते हैं, तो ऐसी प्रॉब्लम यहां आती नहीं है। लेकिन जो लेडीज़ वर्किंग है उनके लिए बता रही हूँ, जो कॉरपोरेट वर्ल्ड में है या फिर जो ऐसी जगह रह रही है जहाँ उनके इन लॉज या उनके पेरेंट्स साथ में नहीं रह पा रहे, तो उनको पहली बात तो ये टेंशन होती है कि अब इतना वेट गेन कर लिया, अब कम करना है, अब ज़्यादा खाना नहीं खाना है, बच्चा हो गया, एक तो ये प्रॉब्लम होती है। दूसरी चीज़, हसल बसल लाइफ में कई बार पानी कम पीती हैं, कैलोरीज कम लेती हैं, प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं जाता है, इस वजह से भी दूध कम बनता है। अब आपको पता है दूध है तो पानी ही है, तो वाटर ही, तो वाटर इनटेक डिहाइड्रेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है दूध कम बनने का। चौथा कारण है, अगर आपको कोई इन्फेक्शन हो गया, जैसे फॉर एग्जांपल डिलीवरी के बाद आपकी इम्यूनिटी वैसी लो होती है, आप वैसी नींद प्रॉपर नहीं ले पा रही, आप थकी हुई हैं, साथ ही में आपको कोई वायरल इन्फेक्शन हो गया, आपको कोल्ड हो गया, आपको फ्लू हो गया, इन सब कारण की वजह से किसी भी तरह का इन्फेक्शन, यूरिन इन्फेक्शन, फीवर, इन सब की वजह से आपका ब्रेस्ट मिल्क प्रोडक्शन कम हो सकता है, क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर स्ट्रेस बढ़ रहा है, कॉर्टिसोल हार्मोन बढ़ रहा है। अब जिन लेडीज़ को दूध कम बनता है वो क्या करेंगी? मैंने बताया फैटी लेडीज़ को दूध कम बनता है, बट एकदम से तो आपका फैट कम होगा नहीं, तो आपने ये जो मैंने तरीके बताए इनको देखिए, आप अपने ब्रेस्ट को ज़्यादा पंप करिए, या तो हाथ से निकालिए या पंप से निकालिए। अगर बच्चा पी रहा है तो ठीक है, नहीं पी रहा है तो फ्रिज में रख दो। आपको नहीं रखना फ्रिज में, आपको ये मेरा कंसेप्ट नहीं समझ में आया, बहुत से लोग होते हैं मैं कुछ नई चीज़ बताती हूँ तो उसको नहीं एक्सेप्ट करते हैं। इंस्टाग्राम पर भी एक अदबा मैंने कुछ नई चीज़ें बताई, लोगों ने एक्सेप्ट नहीं करी, तो वो आपके ऊपर है आपको एक्सेप्ट करना है कि नहीं। बट अगर आप डेली पंप करते रहोगे, रेगुलरली एक एक दो दो घंटे से पंप रहोगे, तो ब्रेस्ट को रिफ्लेक्स मिलता रहेगा, मेरे को और दूध बनाना है, ठीक है। दूसरी चीज, कई बार कहते हैं डबल पंपिंग। डबल पंपिंग क्या होती है, एक बार आपने बच्चे को दूध पिला दिया या एक्सप्रेस करके निकाल दिया, भर दिया, उसके बाद करीब 15-20 मिनट बाद पानी वानी पीने के बाद वापस से पंप करो। वापस से पंप करने से जो पीछे रह जाता है दूध वो भी निकल जाता है, तो एक तरह से आपने ब्रेस्ट पूरा खाली कर दिया जिससे वापस भर जाए। थोड़ा सा भी दूध आपने अंदर छोड़ा तो वापस भरेगा नहीं इतने अच्छे से, क्योंकि ऑलरेडी भरा हुआ है, इसको बोलते हैं डबल पंपिंग। तीसरा तरीका, स्ट्रेस कम करिए, ईटिंग अपनी हैबिट सही करिए, सही खाना खाइए, कोशिश करिए बच्चे की स्लीपिंग हैबिट्स के साथ आप सोइए। बच्चा दिन में जब सो रहा है तब आप भी सोइए, रात में वो जग रहा है तो आपको जगना ही पड़ेगा। तो दिन में आप बच्चे के हिसाब से सोइए, और रात में अगर वो जगा भी रहा है तो आपकी नींद कहीं ना कहीं इतनी डिस्टर्ब नहीं होगी। चौथी चीज़ जो हम सब यूज़ करते हैं वो है गैलेक्टोगोग्स, यानी कि कुछ पाउडर्स, कुछ टैबलेट्स आयुर्वेदिक ऐसे आए हैं जिससे कि आपका ब्रेस्ट मिल्क प्रोडक्शन बढ़ जाता है।
देसी तरीके अगर देखें तो मेथी के दाने कहते हैं, मेथी के दाने भिगो के उसका पानी पीने से कई बार फर्क पड़ता है आपके दूध में। और देसी खाना जो हम इंडियंस खाते हैं, अजवाइन वगैरह लेते हैं, मूंग की दाल लेते हैं, इन सबसे ब्रेस्ट मिल्क पे काफ़ी फर्क पड़ता है। एक और चीज़ जो कि बहुत सारे लोग खाते हैं अपने वेट रिडक्शन के लिए भी, दैट इज़ ओट्स। ओट मील कहते हैं, कहीं ना कहीं आपके दूध को प्रोडक्शन में हेल्प करती है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, इसको पहली बात तो इन तरीकों को यूज़ करिए, जिन लोगों को दूध नहीं बन रहा है इसको यूज़ करिए, मुझे बताइए कुछ फ़र्क पड़ा कि नहीं। और वीडियो अगर पसंद आया, आपको लगा नॉलेज अच्छी है, तो उसको शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा प्लीज़।